सुनो सर, लड़कियों की अच्छी आती है, मेरी अच्छी लेना आप मेन, ठीक है? सब एक सेकंड ना, अरबाज भाई, अरबाज भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं, अरबाज भाई ने अपना शुरुआत एज ए हीरो फिल्म दरार से किया था। उसके बाद अरबाज भाई का ये उनके साथ गुस्सा भी था कि 20 साल बाद उन्होंने दोबारा कमबैक किया अब्बास मस्तान सर के साथ। अब ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन चुके हैं अरबाज भाई, लेकिन हमारी फिल्म में ये इनका बहुत ही मजेदार किरदार है। मुझे नहीं लगता कि अरबाज भाई को आपने कभी इतने ह्यूमरस रोल में आज से पहले देखा होगा। अरबाज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। एंड ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अपना डेब्यू किया था अब्बास भाई मस्तान भाई के साथ और दरार में 20 साल पहले। एंड उस फिल्म में वो बेस्ट नेगेटिव रोल, मुझे एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों हम कभी काम नहीं कर सके। एंड मैं हमेशा ख्वाहिश रखता था कि ये मौका मिले मुझे इनके साथ काम करने का। फिर जब मौका मिला, I was like so excited, and it's such a nice role, and to work with Kapil and these lovely girls, and it's such an interesting role, and I'm so happy to do it, and thank you very much. And फिर मैंने बोला कि इस बार इसके बाद इतनी delay नहीं होना चाहिए। 20 साल के बाद अभी 20 महीने maximum हो सकते हैं किसी film के अंदर। अरे मेरे पास time है। I'd also like to call upon Varun, could you please come on stage? And also, after working for 23 years with Johnny Bhai, it's time for the little lever. Can we please put our hands together for Jammy Lever? Thank you. हिंदुस्तान में बहुत से लोग कॉमेडी करते हैं, अच्छी चीज है, लोगों ने हंसना शुरू किया है, लेकिन बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनमें यह मादा होता है किसी को हंसाने का। जेमी को जब मैं मिला पहली बार, लंदन से पढ़ के आई है, मुझे लगा था कहां फॉरेन से पढ़ के आई है, कहां है, पर जब मैं इनको देखा, इसमें एक मिनी जॉनी लीवर है, क्योंकि ब्लड में है वो चीज। और जॉनी भाई में जो टैलेंट है, जाहिर सी बात है वो ब्लड में है तो बच्चों में आएगा ही, पर जेमी इज अ फैंटेस्टिक आर्टिस्ट। और आप देखेंगे अभी इसका काम, फिर आप डिसाइड करना कि जेमी ने कैसा काम किया। कांग्रेचुलेशन जेमी। Sir, we'll launch the trailer. So, ladies and gentlemen, before we launch, oh, thamba, yeah. All right, sir, could you please have you all take your seats? Huh. Before we go ahead with the trailer launch, there is a small announcement. Producers, Mr. Ratan Jain and Mr. Ganesh Jain, please come up on stage. तालियां बंद नहीं होनी चाहिए भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है पिक्चर बनाने में एक। सही लौकुर, आई वॉज टोल्ड टू प्रोनाउंस दिस राइट, तुम्हें लौकर या सिमरन कौर मुंडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मंजरी फडनिस, एली अब्राम, जैमी लीवर, वरुण शर्मा, मिस्टर अरबाज खान, मिस्टर कपिल शर्मा, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। And of course, Mr. Vasu Bhagnani. A big round of applause, please. So, question answer session के लिए we're going to keep the media open. Please अपना नाम लीजिए पहले, फिर सवाल पूछिए. Thank you. Please have a seat. Is enough place? Sir, ये अच्छा है. Bar stools भी white है. एकदम color combination को ध्यान रखा है. Chess? Do we need more?
लेडीज एंड जेंटलमैन, आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, अपना नाम लीजिए, अपने टीवी चैनल या अपने प्रिंट मीडिया का नाम लेकर फिर सवाल पूछे। Please pass on the mic. Hello. I think somebody is trying to ask a question. Yes. Could you stand up, please? Stand up. Oh. Cameras. I'll get murdered for saying that. Sorry. Sit. It's okay. Kapil, yeah, Rakesh, Bollywood naam se. Kapil, आप वैसे अपनी कॉमेडी में तो बहुत ज्यादा माहिर हैं, ठीक है, ये बात एक है। जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपके बहुत अच्छे दोस्त ने लिखा है, जैसे आपको एक शॉक की खबर मिली कि आपको यहाँ पे तीन बीबियां बीबियों के साथ काम करना है और एक गर्लफ्रेंड भी बनानी है, तो क्या हालात थे आपके पूरी तरह से? क्यों अच्छी रोमांसिंग काफी ज्यादा दिक्कत भी हो जाती होगी सर? ये देखिए, अपने आप में ही एक वन लाइनर अगर आप इसका सुने, बिकॉज अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, दो बीवियों का कॉन्सेप्ट बहुत रहा है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हुई हैं, लेकिन जब मैंने सुना कि बीवियां तीन होंगी ऊपर से एक गर्लफ्रेंड, मैंने कहा मामला तो थोड़ा टेढ़ा तो है ही, तो मजा आएगा करने में। और जैसे मैंने बताया भी कि अनकल्प मेरी टीम में ही है पहले से, और अब्बास मस्तान सर से उनकी पहले ऑलरेडी बात चल रही थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर। सो मुझे वन लाइनर उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैंने पूरी कहानी सुनी तो पढ़ते हुए हम लोगों ने इतना एंजॉय किया जब हम लोगों ने पहली रीडिंग रखी। सो मैं बहुत एक्साइटेड था शुरू से इस फिल्म को लेकर, और आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरी पहली फिल्म जो है, मैं इतने बड़े डायरेक्टर्स और इतने हम्बल लोग हैं, इतने स्वीट लोग हैं, अब्बास मस्तान सर और हुसैन भाई जो इस हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हैं, हुसैन भाई भी यहाँ पे हैं, ये थोड़ा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन हुसैन भाई के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, इन्होंने बहुत मेहनत की है। सो मुझे शुरू से ही एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई थी, और जब मैं इनसे मिला भी सो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है, सो लेट्स डू इट। सो अब आपके सामने है। यहाँ पे जितनी भी चार मोहतरमाएं हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कपिल को रोमांस करते वक्त ऑन स्क्रीन हंसी आ रही थी आपको या रोमांटिक चीजें बाहर निकल रही थी, क्या हो रहा था उस वक्त? यार मैं हूं ठीक है फनी मैन, पर अंदर से तो आदमी हूं ना मैं, तो ये क्या मतलब हुआ हंसी आ रही थी? To say that couple के साथ काम करके एक चीज तो है, improvisation बहुत हो जाती है on set. तो कई बार लाइनें आपको कुछ दी जाती है, you have to be very alert because वो on the spot इतना अच्छा कुछ punch मार देंगे ना कि then you have to like okay अब मेरी line है, you know. So then it's a very natural impromptu thing to act with him. So I've definitely learnt a lot from him. लेकिन romance में मैं impromptu नहीं करता, वो जितना बताया जाता है उतना करता हूँ। कपिल, मैं अखिलेश टीवी 24 से। जी सर। जी। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको आपकी पहली फिल्म में। क्या कहेंगे, आज ही आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ, मौका भी है दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? सर बड़ी खुशी वाली बात है ये, ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो फिल्म भी आने वाली है 25 सितंबर को, पूरे देश में रिलीज होगी, वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। सो खुशी की बात है क्योंकि मैंने जैसे आप सब जानते ही हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है, कहां से सफर शुरू किया, और जब हम लोग बाजीगर देखी थी तो मतलब हमें, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि एक बार एक दिन उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर, ये सब ऊपर वाले का कर्म है मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, मेरी माँ की ब्लेसिंग्स है। सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी। जी जी, जिस प्रकार से कॉमेडी को आप एक ऊंचाई पर लेके गए, और ये कहा जा रहा है कि कपिल कॉमेडी के जनक माने जा रहे हैं, कैसा लगता है जब ऐसा आप सुनते हैं? सर ऐसा नहीं है कि हमने शुरू किया, ये तो अगर आप देखें तो कॉमेडी शुरू से ही रही है, कॉमेडी एक ऐसा एलिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये हमने शुरू किया। हाँ ये बात अलग है कि टीवी पे जो है वो मोनोपोली टूटी है दूसरी चीजों की, कि सिर्फ रोना धोना ही नहीं, अभी लोग हंसना भी सीख गए हैं। अगर आप देखें तो महमूद साहब से लेकर, महमूद साहब एक ऐसे कॉमेडियन हुए हैं, मैं उनको सिर्फ कॉमेडियन बोलना मुझे लगता है वो गलत होगा, वो एक ऐसे एंटरटेनर रहे हैं कि अगर फिल्म में वो नहीं होते तो शायद वो फिल्म को सक्सेस ही नहीं माना जाता था या कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। हर एक का एक अपना अपना योगदान रहा है कॉमेडी को लेकर, और फिर जैसे धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती कि जॉनी भाई है, उन्होंने अपना इतना कॉन्ट्रीब्यूट